दोस्तों सुमन गिल शतक के बावजूद भी काफी निराश नजर आए दोस्तों आउट होने के बाद। दोस्तों आपको बता दूं, सुमन गिल ने शानदार शतक ठोका, 150 गेंदों में 110 रन की पारी खेली दोस्तों। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाते ही काफी सारा तेंदुलकर भी काफी निराश नजर आई, उनके पिता भी काफी निराश नजर आए। उनको देखकर काफी घंटों तक सुमन गिल इमोशनल होते देखे और आंखों में आंसू भी नजर आते देखे दोस्तों। दोस्तों आज उनकी ये सीरीज काफ़ी शानदार रही है, इससे पहले उन पर काफ़ी प्रेशर था, लोग कह रहे थे उनको प्रिंस बॉय, प्रिंस किस काम के, ये है वो है, काफ़ी तमाम पूर्व क्रिकेटर से लेके मौजूदा क्रिकेटरों ने भी उनकी कैरियर पर सवाल उठाए दोस्तों। परंतु इस सीरीज में उन्होंने 2 शानदार शतक और 250 ठोक कर ये बता दिया कि वो उनमें वो कैपेबिलिटी है जो टीम इंडिया की लिए शानदार होने वाली है दोस्तों, भविष्य का क्रिकेटर है दोस्तों। तो दोस्तों